Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower. अब तक हम देखते हैं कस्टोडियन ऑफ लॉ अपनी पूरी सेना को लेकर माउंजू पहुंच जाता है. डोंगफांग ने 6 बड़े स्टैचूज को लेकर उन पे ऐसा जादू किया था कि जैसे ही वो चेस बोर्ड में प्यादों को अरेंज करता वैसे ही वो स्टैचूज अपनी फॉर्मेशन बना देते और 7 मर्डर फ्रैक्शन की सेना उनके चक्रव्यूह में फंसती जाती. तब कस्टोडियन ऑफ लॉ यी टियन को भेजते हैं जो एक एक करके सारे स्टैचूज तोड़ देता है. ये देखकर वाचिंगो सबको मेन हॉल के अंदर वापस जाने को बोलती है और गेट में जादू से सुरक्षा कवच लगा देती है. दूसरी तरफ पेल्वियन मास्टर की असिस्टेंट मौके का फ़ायदा उठाकर क्विंगजू की बॉडी चुरा देती है. वाचिंगो यूनिंग से कहती है सेक लीडर होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ कि तुरंत सीनियर एल्डर्स डोंगफांग टंगबो और सारे डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से चले जाओ. डोंगफांग और टंगबो उसे अकेला छोड़ने से मना करते हैं पर वो उन्हें बेहोश कर देती है और वहाँ से दूर ले जाने को बोलती है. कस्टोडियन ऑफ लॉ को एक मैसेंजर आके बोलता है लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके का संदेश है कि उन्हें क्विंगजू की बॉडी मिल गई है, अब वो अपनी सेना लेके पीछे हट सकते हैं. कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं इनकी वजह से मेरे इतने लोग मारे गए हैं, आज मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक जू माउंटेन का नामी निशान ना मिट जाए. वो गेट का सुरक्षा कवच तोड़ते हैं और अंदर से वाचिंगो आती है. वो बोलती है मैं तुम्हें 3 प्रहार करने का मौका देती हूँ, अगर मैंने तुम्हारे 3 प्रहार सह लिए तो तुम जू माउंटेन छोड़ के चले जाओगे और कभी दोबारा लौट के नहीं आओगे, वरना मैं जू माउंटेन तुम्हारे हवाले कर दूंगी. कस्टोडियन ऑफ लॉ के पहले प्रहार करते ही वाचिंगो को जोर का झटका लगता है. कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं अभी तो मैंने केवल 30% एनर्जी ही इस्तेमाल की थी. वाचिंगो बोलती है सच में मैंने तो केवल 10% की थी. कस्टोडियन ऑफ लॉ के दूसरा प्रहार करते ही वाचिंगो दूर जाके गिरती है और उसके मुँह से खून निकल जाता है, फिर भी वो खड़ी होती है. तीसरा प्रहार करते ही इस बार कस्टोडियन ऑफ लॉ दूर जाके गिरते हैं. वाचिंगो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे बाइजुआ खड़ा होता है और वाचिंगो बेहोश हो जाती है. फिर वहाँ साचिनमो आता है और बोलता है तुम्हें ये सब करने को किसने बोला. कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलता है मैं तो बस आपका साम्राज्य बढ़ाने के लिए मदद करना चाहता था. वो बोलता है अगर मैं यही चाहता तो क्या मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ती. वो बाइजुआ से कहता है आज मेरे ही शिष्यों की गलती थी ये मैं मानता हूँ और सबको लेकर वहाँ से चला जाता है. बाद में बाइजुआ वाचिंगो को ठीक करने के बाद डोंगफांग से पूछता है तुम्हें ये सारी टेक्निक्स किसने सिखाई. वो बोलता है उसके गुरु लियो ह्यूडोंग ने, पर वो बहुत समय से उनसे मिला नहीं है क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया घूमने का शौक है. कुछ समय गुजर जाने के बाद बाइजुआ वाचिंगो को मेन हॉल में लेकर आता है. वहाँ सभी लोग वाचिंगो को माउंजू की रक्षा करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं. वो बोलती है ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं है, अगर हम पे डोंगफांग की युद्ध नीति और आप सबकी एकजुटता नहीं होती तो मैं अकेले भी कुछ नहीं कर पाती. फिर वो बोलती है मुझे लगता है मुझे सैक लीडर नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता. सब लोग घुटने टेक कर बोलते हैं जब तक आप सेक लीडर की पोजीशन स्वीकार नहीं करेंगी तब तक हम खड़े नहीं उठेंगे. वाचिंगो बाइजुआ से कहती है मुझे चैंग लियो रहकर मार्शल आर्ट सीखनी है. बाइजुआ बोलता है अब तो माउंजू की सेक लीडर हो, तुम चैंग लियो में नहीं रह सकती. तभी वहाँ के एल्डर्स कहते हैं आज तक चैंग लियो और माउंजू के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हमें इन्हें और पक्का करना चाहिए. बाइजुआ कहता है अगर सीनियर एल्डर्स को इससे कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं है. अगले सीन में पेल्वियन मास्टर क्विंगजू की बॉडी से सारे सीक्रेट्स निकालता है और ये भी पता लगाता है कि 10 DT डिवाइसेस की लोकेशन कहाँ है. फिर वो ये सब एक पेपर में लिखकर कस्टोडियन ऑफ लॉ को देकर बोलता है इसमें सारी लोकेशंस लिखी हुई हैं, अब उन्हें पाना ना पाना तुम्हारी खुद की काबिलियत के ऊपर है. वाचिंगो और बाइजुआ के वापस आते वक्त उन्हें डोंगफांग मिलता है. बाइजुआ वाचिंगो से बोलते हैं जिसकी पैदाइश के बारे में कुछ ना पता हो और जो अपनी पहचान छुपाता हो उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए. पर वाचिंगो बोलती है डोंगफांग उसका दोस्त है और उसको उस पे पूरा भरोसा है. अभी वहाँ खबर आती है कि माउंट सॉन्ग ली से नो रिटर्न इंक स्टोन DT डिवाइस चुरा लिया गया है.
उन्हें शक होता है कि किसी ने संत क्विंगजू की बॉडी से सीक्रेट निकाले हैं और वो दोनों लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंज डीके के पास आते हैं। पैचिंगो क्विंगजू की बॉडी के बदले अपने सीक्रेट्स का सौदा करने को बोलती है। पैलवियन मास्टर बोलते हैं कि उनके पास बॉडी नहीं है। वहाँ से वाचिंगो माउंट जू को निकल जाती है, जबकि बाइजुआ चैंगलियो में सारे सेक लीडर से मीटिंग करने को निकलता है। चैंगलियो में 3 ऑनरेबल सुपीरियर्स सारे सेक्ट वालों की डीटी डिवाइसेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं। सब मना कर देते हैं ये कहकर कि वो हजारों साले से उन डीटी डिवाइसेस की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाचिंगो के माउंट जू पहुँचते ही यूनिंग बोलता है कि सन क्विंगजू की बॉडी वापस अपनी जगह में सुबह ही पहुंच चुकी थी। वो सब सम्मान में उनकी कब्र के सामने सर झुकाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। बाद में सारी रस्म रिवाजों के साथ वाचिंगो को माउंट जू का सेक लीडर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अगले सीन में पाइजुआ मोयान को बताता है कि उसने वाचिंगो को चैंगलियो में पढ़ने की परमिशन दे दी है। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो बोलता है वो चैंग लियो के डिसाइपल और माउंट जू की सेक लीडर एक ही समय में कैसे हो सकती है। बाइजू बोलता है जब पूरे जू माउंटेन को कोई हर्ज नहीं है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। मोयान ऑर्डर देता है कि जो भी इमोर्टल स्वॉर्ड असेंबली में लास्ट आएगा उसे चैंग लियो से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने सुना होता है कि वाचिंगो हमेशा अपनी क्लास में लास्ट आती है। के डोंगफांग अपना गवर्नमेंट एग्जाम देने को जाने की तैयारी करता है और वाचिंगो से बोलता है एग्जाम में पास होने के बाद मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। वाचिंगो बोलती है अब तो मेरे साथ ये मजाक करना बंद कर दो। वो ठीक है बोलता है और वहां से चला जाता है। डोंगफांग के जाने के बाद वाचिंगो भी चैंगलियो सेक के लिए रवाना हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।